नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल। दोस्तों, अभी रात के 10:45 होने वाले हैं, 11 बजे का बैच है और इस बैच में हम बताने जा रहे हैं वी लुकअप से रिलेटेड चीज़ें। ये हमारी ऑनलाइन क्लासेज है जिसमें कुछ बच्चे कनेक्टेड हैं अदर लोकेशन से गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए। तो आप लोग भी चाहो तो मेरी ये क्लासेस लाइव ले सकते हो, मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हो। ये सभी मेरे साथ लाइव है और अपने हर एक प्रॉब्लम को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। वीडियोज देखते हो तो उसमें अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वी लुकअप से रिलेटेड कुछ चीजें। तो बोले वी लुकअप से रिलेटेड किस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में मैंने सिंपल वी लुकअप लगाना सिखाया था, वी लुकअप में मैच का इस्तेमाल करना सिखाया था और हमने इस्तेमाल सिखाया था आपको मैच इंडेक्स एंड ऑप्शन इंडेक्स को कंबाइन करके लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट दोनों तरह का डेटा निकालना। लेकिन अभी अभी किसी ने बोला मुझे कि उनको मैच समझ में ज्यादा नहीं आया, तो चलिए मैच का एग्जांपल एक बार और देते हैं लेकिन किसी और तरीके से। हम बात करते हैं सबसे पहले एच लुकअप की। वी लुकअप जो कि होता है वर्टिकल लुकअप, मतलब डेटा टॉप टू बॉटम हो तो आप वी लुकअप का इस्तेमाल करोगे, लेकिन कई बार डेटा आपका लेफ्ट टू राइट होता है। क्या लेफ्ट टू राइट होता है? जब आपका डेटा लेफ्ट टू राइट होगा उस केस में आप क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां से कुछ डेटा को उठाते हैं, कॉपी करते हैं और किसी अदर शीट पे जाके पेस्ट स्पेशल करते हैं ट्रांसपोज। अब मेरा डेटा जो मेरा यूनिक आईडी है और लेफ्ट टू राइट है, टॉप टू बॉटम नहीं है। तो इसमें अगर मुझे पता करना है कि 11102 की सैलरी कितनी है तो हम वी लुकअप से पता नहीं कर सकते हैं। तो एक्सेल में इसके लिए दिया है एच लुकअप, तो एच लुकअप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसके लिए। एच लुकअप के लिए क्या लगाएंगे? एच लुकअप हम इसको सिलेक्ट करेंगे और टेबल एडे। बस वी लुकअप का अपोजिट है, जैसे वी लुकअप में आप इस तरह सिलेक्ट करते थे लेफ्ट टू राइट, यहां पे सिलेक्ट करेंगे टॉप टू बॉटम। बाकी सारे चीज वी लुकअप से ही मिलता जुलता है। एंड कॉमा, मुझे सैलरी का चाहिए तो यहाँ पे रो काउंट होगा 1, 2, 3 एंड 4 एंड कॉमा 0, एंटर मारिए, सैलरी आ गई, राइट? दिख रहा है सैलरी? अब इस चीज को हम एच लुकअप से तो कर ही रहे हैं, इस चीज को हम मैच और इंडेक्स से भी कर सकते हैं। तो मैच और इंडेक्स से कैसे करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले A1002 है हमारा, इसको रखते हैं। मैं यहां पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा। मैच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों चलता है, मतलब टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट दोनों चलता है, रो एंड कॉलम दोनों चलता है। और मैंने यहां पे बोला कि भाई इस रो में ए जो हमारा 11102 है वो कहां एग्जिस्ट करता है, ये बता देगा कि तीसरे नंबर कॉलम पे है, पहला दूसरा और तीसरे नंबर कॉलम पे है। फिर मैं यहां पे इंडेक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है? इंडेक्स का फॉर्मूला क्या करेगा? इंडेक्स का फॉर्मूला, हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं। इंडेक्स को समझिए क्या है। इंडेक्स सिंपल क्या है कि एक आपने जो डेटा बेस सिलेक्ट किया है
उस डेटाबेस में से आपको रो नंबर एंड कॉलम नंबर देना है कि कौन सा रो नंबर। तो मैंने बोला कि 1 2 3 कॉलन है हमारा एंड 1 2 3 4 रो है, तो रो 4 हो जाएगा एंड कॉलन 3 हो जाएगा, तो इसका डेटा दे देता है। लेकिन इसको ऑटोमेट करने के, क्योंकि हम इसमें ऑटोमेट क्या करना है, इसका जो रो नंबर, हर किसी का जो रो नंबर है बस उसी को चेंज करना है ना। जो रो नंबर यहाँ पर मैनुअल 3 लिखा है इसी को मैच के साथ करेक्ट कर देना है, तो रिजल्ट आपके साथ 76,000 का आ गया। तो समझ में आया आपको इंडेक्स, मैच और इंडेक्स का कंबाइन करना, किसको मैच और इंडेक्स में प्रॉब्लम था? हाँ सर समझ में आ गया। और मैच और इंडेक्स एक ही साथ में कैसे लगाते हैं? हाँ मैच और इंडेक्स एक साथ होगा, क्योंकि इंडेक्स में रो एंड रो नंबर देना होता है, रो एंड कॉलम। इंडेक्स फाइंड नहीं करता है, आपकी वैल्यू को फाइंड करके डेटा नहीं देगा वो, आप वहां पे जो रो एंड उस वैल्यू की जो रो एंड कॉलम नंबर की पोजीशंस है वो पोजीशंस डालोगे तो उस पोजीशन का रिजल्ट देगा। तो पोजीशंस को ऑटोमेट करने के लिए मैं कि आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग, मैं वैल्यू क्या है 1002 इसके अकॉर्डिंग इसका पोजीशन ढूंढना है रो एंड कॉलम का। तो रो तो फिक्स है, कॉलम हमारा बराबर चेंज हो रहा है, अलग अलग आईडी का अलग अलग कॉलम है। तो यहाँ पे हमने मैच लगाया ताकि जो आईडी मैं यहाँ लिखूँ कि 1100 मैंने 5 लिखा तो 5 का कॉलम नंबर दे दे, तो 5 का कॉलम नंबर चेंज होगा तो इंडेक्स भी अपना रिजल्ट चेंज करेगा। तो मैच और इंडेक्स एक साथ लगाना, तो पहले आप अलग अलग सेल पे लगाएं, फिर जब आपका रिजल्ट देने लगे तो फिर मैच को कॉपी करें और जहां पे आपने उस सेल का रेफरेंस दिया है D19 उस रेफरेंस पे उसको पेस्ट कर दें, आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो वी लुकअप से एच लुकअप से एक अच्छा चीज है जिसको आप इस्तेमाल अपने ऑफिशियल लाइफ में कर सकते हो, राइट? मैच और इंडेक्स के बाद और मैच और ऑफसेट भी लगा सकते हो। अब मैच और ऑफसेट का क्या यूज है? ऑफसेट मैच की तरह ही रो एंड कॉलम नंबर जो देने पे रिजल्ट देता है, बस ऑफसेट का बेनिफिट ये होता है कि ऑफसेट के अंदर पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैच में आपने पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट किया हुआ है। करके रेट में डेटा नीचे की तरफ या आगे तरफ बढ़ता है तो फिर फॉर्मूले के रेफरेंस को आपको बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। तो यहां पे हम ऑफसेट का इस्तेमाल करेंगे इस चीज को रोकने के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? इक्वल ऑफसेट, हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कॉमा, इसमें जो रो नंबर, इसमें रो नंबर जो है 0 से काउंट होता है इसलिए 1 कम देना होता है, मतलब आपकी 4 नंबर रो है तो 3 दीजिए और 6 नंबर कॉलन है तो 5 दीजिए, रिजल्ट आएगा। तो ये 5 जो है डायरेक्ट ना देके हम क्या करेंगे 6 - 1 तो यहां 5 52,000 आएंगे। ठीक है सर, तो मैच इंडेक्स या ऑफसेट मैच लगा सकते हो वी लुकअप के जगह पे या फिर एच लुकअप के जगह पे। अब चलिए डिस्कस करते हैं हम मल्टी शीट का। मेरे पास जो डेटा है दो शीटों में, जैसे यहां पे मेरे पास डेटा 1 है, डेटा 1, और दूसरा हमारे पास है डेटा 2। तो डेटा 1 में जो डेटा है हमारा वो डेटा है 1 से लेके 18 तक, और डेटा 2 में 18 से लेके आगे की डेटा है। मान लीजिए अब मुझे तीसरी किसी सीट पे त,
तीसरे किसी सीट पे मुझे यहीं पे वी लुकअप लगाना है कुछ डेटा का। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो नंबर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ आईडी, जिस आईडी के अगेंस्ट मुझे डेटा फाइंड करना है, वो आईडी जो है वो जो है आपका अलग अलग सीट का है। ठीक है, क्यों सीट एट, वो सीट वन डेटा वन का भी है, डेटा टू का भी है। अब क्या है कि मुझे जी लुकअप लगा रहे और दोनों सीट से रेफरेंस लेना है, तो एक चीज समझ जाइए यहां पे कि वी लुकअप किसी भी कंडीशंस में दो सीटों का डेटा में लुकअप नहीं कर सकता, और जब भी करेगा तो एक सीट पे ही करेगा, दो सीट पे नहीं करेगा। तो दो शीट पे डेटा लुकअप करने के लिए हम यहां लगाएंगे फॉर्मूला वी लुकअप का। ठीक है, वी लुकअप, अब बोलो सर वी लुकअप तो करता ही नहीं, तो फिर मैं बताता हूं आपको हम क्या करेंगे। एक वी लुकअप लगाएंगे और उससे हम पहले पहले सीट के डेटा को लुकअप करेंगे, कॉमा टू कॉमा जीरो, सॉरी मैं यहाँ पे गलत दे दिया, यहाँ पे दो जीरो दिया, डेटा लुकअप हो गया। फिर हम यहाँ पे एक और वी लुकअप लगाएंगे जो कि दूसरे सीट के डेटा से लुकअप है। अब इसमें से क्या है कि कोई एक ही डेटा का रिजल्ट आएगा, दोनों डेटा का रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू है तो सीट वन पे हो सकती है, सीट टू पे हो सकती है, दोनों सीट पे नहीं हो सकती है। तो यहां पे एक वीलुकअप एरर देगा, दूसरा वीलुकअप रिजल्ट देगा, या दूसरा वीलुकअप एरर देगा, पहला वीलुकअप आपका रिजल्ट देगा। फिर दोनों वीलुकअप को एक एक ही सेल में लगाना है हमें, तो हम इफ एरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इफ एरर फॉर्मूला में हम पहले और वीलुकअप को और दूसरे वीलुकअप को सिलेक्ट कर लेंगे, तो अगर ए एरर दिया तो ये रिजल्ट ए देगा तो इसका ए देगा, अगर ए रिजल्ट दिया तो इसको इग्नोर कर देगा। तो दोनों वीलुकअप एक साथ लगाएं, तो आप अलग अलग लगा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया, मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा और इसमें ए टू यहां पे जो है B2 की जगह पे पेस्ट कर देता हूं और फिर C2 को कॉपी करूंगा, C2 की जगह पेस्ट करूंगा। तो एक इफ एरर में, अब इफ एरर का काम क्या होता है देखिए, इफ एरर का काम होता है कि इफ विथ एरर कि इसके अंदर दो इनपुट होता है, पहले इनपुट एंड दूसरी इनपुट। अगर पहला इनपुट जो फॉर्मूला है वो एरर दिया तो दूसरा इनपुट को शो करेगा, अगर पहला इनपुट एरर नहीं दिया तो दूसरा को शो करेगा, अगर पहला एरर रिजल्ट दे दिया तो पहला का ही शो करेगा, दूसरा को इग्नोर कर देगा। तो समझ में आया आप लोगों को, ए वी लुकअप विथ इफ एरर, जिसमें हम दो सीटों का डेटा ले रहे हैं, अगर आपके पास तीन सीट हुआ, तीन से ज्यादा हुआ, तो फिर यहां पे एक और इफ एरर लगेगी, फिर यहां पे तीसरा वी लुकअप लगेगा और फिर फॉल्स पार्ट में ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका ये फॉर्मूला ओ आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ना, मैं सीट फोर से कर रहा हूं कि मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा सीट फोर पे चला गया एंड कॉमा टू कॉमा जीरो। अब इसमें क्या है, कॉमा और इसको सिलेक्ट कर लेंगे,
तो तीन सीट से डेटा लुकअप करके दे रहा है। तो इस पे जो है आप इस फॉर्मूला को कॉपी करें और यहां पर पेस्ट करें। होता है क्या है कि एक इफ एरर में दो इनपुट दे सकते हैं, एक इफ एरर में दो इनपुट दे सकते हैं। मान लीजिए कि एक इफ एरर है आपका, मैं एक बार इसको ड्रॉ करके बताता हूं। एक इफ एरर है जिसमें आपका ये दो इनपुट है, ठीक है। अब मुझे मेरे पास तीन कंडीशन, तीन वी लुकअप लगाने। आप दो वी लुकअप लगा सकते हैं, पहला वी लुकअप एंड दूसरा वी लुकअप। मुझे तीन वी लुकअप लगाने, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पे एक और इफ एरर ऐड करूंगा। इसमें ए इफ एरर हो जाएगा और यहां पे तीसरा वी लुकअप हो जाएगा। ऐसे चौथा पांचवा के लिए ऐसे इफ एरर ऐड करते चले जाओगे आप, चैन सिस्टम बना के, ठीक है। तो इफ एरर का इस्तेमाल हम करते हैं वी लुकअप में एरर के। बहुत सारे जैसे होता क्या है कि रिजल्ट अगर एरर दे रहा है तो एरर के जगह पे आप चाहते हो कि अपना कोई रिजल्ट आए। जैसे कि आपने वी लुकअप लगाया, कोई दो चार दस या बीस जो आपके रिजल्ट है वो शो नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जो उसके जगह पे ब्लैंक करना या डेटा नॉट फाउंड करना ऐसे कुछ लिखना चाहते हो, तो वी लुकअप का ये इस्तेमाल, इसका इस एरर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो इसमें हमने दो चीजें सीखा, एक तो एच लुकअप सीखा, दूसरा हमने वी लुकअप के साथ सीखा मैच इंडेक्स एंड मैच ऑफसेट एच लुकअप के जगह पे लगाने का। उसके बाद हमने सीखा मल्टी शीट वी लुकअप कि दो से ज्यादा शीट पे डेटा होगा तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है सर, इसमें कोई डाउट? हाँ सर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर थोड़ा। हाँ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अब एक और एग्जांपल आप देते हैं आप कि वी लुकअप फ्रॉम, मतलब कि फ्रॉम टू में वी लुकअप कैसे इस्तेमाल करोगे। जैसे किसी के अटेंडेंस है या सेल्स है, मान लीजिए सेल्स, तो ये हमारा हो गया एम्प्लॉय कोड और नाम भी हो सकता है। उसके बाद एक डेट है हमारे पास, मान लीजिए इसी महीने का डेट डला हुआ, फरवरी के मान लीजिए फरवरी का, फरवरी महीने का डेट, पूरे महीने का डेट है। ये हमने डेटा एक सैंपल डेटा बना लिया आपके लिए। अब मुझे दूसरे सीट पे यहां पे फॉर्म पे यहां पे क्या करना है मुझे कि यहां पे मेरा एम्प्लॉय कोड है, मैं यहां पे एम्प्लॉय कोड डालूंगा भाई एम्प्लॉय कोड वन, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम। मुझे चाहिए कि 1 जनवरी से, माफ कीजिएगा, 2 फरवरी से 10 फरवरी का डेटा। तो यहाँ पे इसका पूरा डेटा कि एम्प्लॉय कोड नेम और फिर जो डेट हो 1 से लेकर 10 तक का डेट और फिर उसका रिजल्ट आ जाए। तो नेम और एम्प्लॉय कोड नेम के लिए तो सिंपल वी लुकअप लगाएंगे हम, वी लुकअप, और हम एम्प्लॉय कोड तो यही है, माफ कीजिएगा एम्प्लॉय कोड इसी को ले लेते हैं, और सिंपल लगाएंगे इक्वल की वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया एंड हमने बोला कि हमारा सीट 13 पे जाओ डेटा कॉमा 2,0। उसके बाद यहां पे डेट,
स्टार्टिंग डेट के लिए तो इक्वल करके मैंने इसी को लेन कर दिया, एंडिंग डेट में हमें इफ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि हमने बोला इफ फॉर्मूला कि इसमें अगर मैं प्लस वन करता हूं, मतलब 1 फरवरी में जो हमने प्लस वन किया, करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 2 फरवरी उसकी जो भी रिजल्ट आए, अगर वो रिजल्ट ग्रेटर देन 10 फरवरी है, ग्रेटर देन 10 फरवरी है तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज 1 फरवरी में प्लस वन करके आगे कंटिन्यू कर, तो रिजल्ट आपके सामने देता है। अब आगे ड्रैग करने से पहले हम E14 को फ्रीज करेंगे, और मुझे साथ मुझे भी ये भी पता है कि आगे चल के जैसे 10 से गर्मा 12 बज जाएगा तो ये एरर शो करेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ एरर का डालेंगे, इफ एरर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देंगे ब्लैंक, ताकि एरर ब्लैंक हो जाए, फिर मैं इसको आसानी से ड्रैग कर देता हूं। तो देखिए आप लोग, आपको एक आइडिया लगा लीजिए कि आपके पास कितने डेट आ सकते हैं फॉर्म में, उतना तक आप डाल दीजिए। देखिए इसमें ब्लैंक शो कर रहा है बट इसमें फॉर्मूला लगा हुआ, तो ब्लैंक क्यों कैसे शो कर रहा है, इस एरर की मदद से, हमने इस एरर के बोला कि अगर फॉर्मूला एरर दे तो तुम ब्लैंक को शो कर, ब्लैंक को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे इसका सेल्स आना चाहिए, तो उसके लिए भी हम यहां वी लुकअप का ही इस्तेमाल करेंगे। वी लुकअप एम्प्लॉय कोड को लिया और हम चले गए सीट पे पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करने का, और प्रॉब्लम ये है कि मैं यहां पर मैनुअली 3 दे दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 3, क्योंकि तीसरे नंबर पे यहां देखिएगा तो 1 फरवरी है कि 1 फरवरी का डेटा आ रहा है, अब 1 फरवरी यहाँ लिखा हुआ तो जो सही है, लेकिन बोला कि नहीं मुझे 5 से 10 का डेटा चाहिए, या तो 5 फरवरी आ जाएगा, तो 5 फरवरी में तो मुश्किल हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे जो मैनुअली 3 जो हमने दिया हुआ है, इस मैनुअल 3 को ऑटोमेट करना पड़ेगा, ताकि डेट अगर हम चेंज हमारा हो तो मुझे यहाँ पे जो कॉलम नंबर है उस डेट के अकॉर्डिंग हो जाए। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर, सुमित पाल जी, मनीष जी, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? मैच सर। मैच, राइट, मैच करेंगे। तो मैं इसके जगह पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा और हम डेट को सिलेक्ट करेंगे और अपने डेटाबेस में चले जाएंगे और पूरा का पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट करके कॉमा 0 कर देते हैं। अब मैं इसको ऐसे ड्रैग नहीं कर सकता, ड्रैग करने के लिए सबसे पहले ये जो C15 है, C7 है, इसको फ्रीज करना पड़ेगा, डेटा को फ्रीज करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको भी फ्रीज करना पड़ेगा ताकि आगे जब ड्रैग करे तो अपना इंक्रीज डिक्रीज ना हो, और फिर यहाँ पे आगे जाने पे एरर आएगा, एन एरर आएगा, तो एरर नहीं शो करना चाहिए, ब्लैंक रहना चाहिए, पता नहीं चला चाहिए कि वहाँ पे कुछ लगा हुआ है। तो इसके लिए सेम इफ एरर, और इफ एरर में हम यहाँ पे दे देते हैं ब्लैंक, और फिर जहाँ तक आपका डेटा था वहाँ तक कर दीजिए। आप देखिए मुझे 2 का चाहिए 5 से 10 तक, आ गया, मुझे 10 से 22 का चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे मैंने दिया 22, तो 10 से 22 तक का आ गया डेटा हमारे पास। जैसे डेट चेंज करोगे, एम्प्लॉय कोड चेंज करोगे, यहाँ पे आपका डेटा आपका गॉड्स आते रहेगा। समझ में आया सर? हेलो, हाँ जी सर, इसमें ऑफसेट भी लगा के कर सकते ना? ऑफसेट भी लगा कर सकते, लेकिन क्योंकि ऑफसेट तब लगाएंगे
जब आपका एम्प्लॉई कोड यूनिक आईडी जो है वो पहले नंबर पे नहीं है। अगर पहले नंबर पे है तो ऑफसेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल वैल्यू लगा सकते हो। अगर बीच में कहीं है तो ऑफसेट मैच या इंडेक्स मैच ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, सर वो इसकी प्रैक्टिस करें। हाँ सर, ये फाइल भेज सर वो दीजिए सर, प्रोजेक्ट करा और ये दीजिए। वीडियो भी। क्या हेलो सर, ये फाइल और ये वीडियो सर भी भेज दीजिए सर। प्रोजेक्ट का कुछ नहीं, इसी को प्रैक्टिस कीजिए। कल कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वी लुकअप के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन इस्तेमाल करना, और वी लुकअप में लाइक कमांड का, मतलब कि कंटेन और लाइक कमांड का इस्तेमाल करना, ये हम आपके साथ सीखेंगे। वी लुकअप का टॉपिक जब खत्म होगा तब हम आपको एक प्रोजेक्ट देंगे। हाँ, प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया था, वो प्रोजेक्ट हम आपको कल डिस्कस करेंगे। वो पूरी प्रोजेक्ट तो डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन उसका हिंट दूंगा कि कैसे बनाया है। ठीक है, ये हमारा सर मैंने टॉपिक भेजा था तो कुछ था। है। तो दोस्तों, देखा किस तरीके से अभी हमने क्लासेस दी हैं, जिसमें कई सारे बच्चे रात को 10-11 बजे बैठ के आराम से मुझसे पढ़े, और एक अच्छा सा टॉपिक मैंने इनके साथ डिस्कस किया। अगर आप भी चाहते हमारी एक ऑनलाइन क्लास लेना, आप भी चाहते कि हमारे साथ लाइव सीखें, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने सारे के सारे वीडियोज नहीं डाले हुए हैं। हालांकि 15-16 से वीडियोज हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि प्रमोशनल्स वीडियो ही डालते हैं तो कई सारे टॉपिक रिपीटेड डलती है। लेकिन आप चाहते हो हमारी क्लास लेना तो आपने वेबसाइट iptindia.com पे जाएं एंड डेमो क्लासेस का फॉर्म भरें, एक दो क्लास डेमो लें, फिर अगर आपको अच्छा लगा तो आगे कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस नहीं ले सकते तो आप हमारी ऑनलाइन वीडियोस परचेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए सर।